मुरादाबाद पंडित बलबीर पाठक एवं पंडित सुदर्शन शर्मा जी की स्मृति में 20वां ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन ब्राह्मण समाज मुरादाबाद द्वारा पंचायत भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर के मिश्रा एवं कार्यक्रम संयोजक गण धवल दीक्षित, बिमलेन शर्मा, अवधेश पाठक, प्रेम शंकर उपाध्याय, शिवकिशोर शर्मा ने सरस्वती माँ एवं भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। स्वागत उपरांत सरस्वती वंदना हेमा भट्ट तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन धवल दीक्षित एवं संचालन बिमलेंद्र बिमल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर के मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म की संस्कृति में 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार भी है, जो उचित रीति रिवाज एवं गुण दोष के मिलन के आधार पर करने से 7 जन्मों का बंधन सशक्त होता है। IPS जुगल किशोर तिवारी जी ने शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करते हुए कहा कि वैवाहिक परिचय सनातन धर्म के स्वयंवर की याद ताज़ा करता है। आज लोगों का मिलना जुलना और संयुक्त परिवार परंपरा का कम होने से समाज में युवक युवतियों के विवाह में समस्याएं आ रही हैं। इस प्रकार के वैवाहिक परिचय सम्मेलन समस्त समस्याओं का हल है। वैवाहिक परिचय सम्मेलन में 105 युवक और 94 युवतियों का परिचय कराया गया, जिसमें से 31 रिश्ते आपसी सहमति से तय हुए। आभार अभिव्यक्ति डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने की और कार्यक्रम का समापन सभी ने खड़े होकर वंदे मातरम के एक साथ गाकर किया। उप संयोजक गण अशोक शर्मा, अवधेश पाठक, सुधांशु कौशिक, अरुण शर्मा, गौतम शर्मा, अनिल शर्मा, त्रिभुवन शर्मा, डॉक्टर विपिन मिश्रा, गजेंद्र कुमार शर्मा, वरुण त्रिवेदी, अनुप कुमार मिश्रा, प्रेम शंकर उपाध्याय, दिनेश चंद्र शर्मा, रतन शर्मा, रतन शंकर शर्मा, मेधाकांत मिश्रा, संजीव शर्मा, बागेश शर्मा, अमित कौशिक, कपिल शर्मा, प्रफुल्ल वशिष्ठ, सचिन शर्मा आदि का विशेष योगदान रहा। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। बोलो भगवान परशुराम की जय। शर्मा कौन सी जगह आए हैं? मिलक रामपुर मिलक में, यहाँ मुरादाबाद में आए हुए हैं। क्या प्रोग्राम था? ये बिटिया की उसके लिए सम्मेलन था, एक ब्राह्मण सभा का, उसमें युवा परिचय कराया जा रहा था, उसमें आए हैं, बिटिया भी है। बहुत बढ़िया जवाब, नहीं ये अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। जो भी है इससे मतलब समाज में बताता तो कोई है नहीं, अब यहाँ आए कुछ मिले, उन लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो अब जैसा भी है वो देंगे लिस्ट, उसमें बच्चों के रिश्ते ढूंढने के लिए। जी जी, कैसा प्लेटफॉर्म लगा? बहुत अच्छा लगा, 20 साल से चल रहा है ये, 2004 से इन्होंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोज कुमार शुक्ला। मनोज जी कहाँ से आए हैं? मैं कटघर मुरादाबाद। क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? यहाँ पे वैवाहिक परिचय का सम्मेलन किया गया था। क्या कोई बच्चा है आपका जिसके लिए आप यहाँ पर परिचय सम्मेलन? जी मेरे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आज ये वैवाहिक परिचय का एक रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसके द्वारा सभी बच्चों का, बेटों का, बेटियों का, सभी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। कैसा लगा ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम से आगे क्या क्या फ़ायदे होने वाले? एक तो सबसे मेन बात कि सभी ब्राह्मणों ने यहाँ पे आके जो सम्मिलित हुए हैं, वो सभी लोग चाहते हैं एक दूसरे को अच्छे रिश्ते मिले, सभी वैवाहिक जीवन सबका सुखद रहे। इससे रिश्ते मिलने में कितनी आसानी होगी इस प्रोग्राम? एक तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें सभी लोग अपने में व्यस्त हैं, इन चीज़ों के लिए भूल गया काफ़ी कुछ आदमी, इसलिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं और इन लोगों ने जो किया है बहुत सराहनीय है। सर के नाम आपके? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप शर्मा। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? आज वार्षिक कार्यक्रम है ब्राह्मण समाज का, जिसमें हम वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने प्रतिभाग किया। सबसे बड़ी बात ये थी, इस बार जो देखने में आई, बहुत उच्च शिक्षित युवक और उच्च शिक्षित युवतियों ने प्रतिभाग किया, और न केवल मुरादाबाद बल्कि पहली बार विदेशों से भी युवक और युवतियों ने इसमें प्रतिभाग किया। आज के कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि अब से 20 वर्ष पहले स्वर्गीय बलबीर पाठक जी एवं स्वर्गीय इंजीनियर सुदर्शन कुमार शर्मा जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। अब इस वर्ष ये 20वां वर्ष था। जब तक वो दोनों महापुरुष जिंदा रहे, तब तक उनके नेतृत्व में ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। उनके बाद
श्री धवल दीक्षित जी, और श्री धवल दीक्षित जी की जो टीम है उसने इसका बीड़ा उठाया और कई वर्षों से धवल दीक्षित जी और उनकी टीम में विमलेंद्र शर्मा जी, अवधेश पाठक जी, नीटू उपाध्याय जी, हरिगोपाल शर्मा जी, अमित शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, विमलेंद्र शर्मा जी, आलोक पांडे जी और न जाने कितने लोगों ने सहयोग करके ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इसमें सबसे बड़ी प्रसन्नता ये भी रही कि कई सारे रिश्ते भी यहाँ पर बन भी गए हैं, उन्होंने उसको यहाँ हमारे योग्य ब्राह्मण बैठे हुए थे जिन्होंने उनकी जन्म पत्रियों का भी मिलान किया। पांडे जी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, उनके नेतृत्व में ये मिलान हुआ और उसके साथ साथ एक दूसरे से परिचय भी प्राप्त हुआ। मैंने देखा इस वर्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो वर हैं, वर के लिए आए अथवा वधू के लिए आए, वो भी इसमें थे। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि अब के बेरोज़गार नहीं थे, अब के जितने भी थे, चाहे वो युवक थे अथवा युवतियाँ, वो सभी हाईली क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाई होने के अलावा उनकी जो शैक्षिक योग्यता थी बहुत अधिक थी। कोई भी कोई एम टेक था, कोई बी टेक था, कोई पीएचडी था, कोई बीएड था, ये सब सभी पढ़े लिखे थे और सभी नौकरी पेशा थे या नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। धवल दीक्षित जी और उनकी टीम ने ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ उसमें एक ही दो या दो दिन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पिछले दो महीनों से ये पूरी टीम अपना काम कर रही थी, अपने संदेश को दूर दूर तक फैला रही थी। इसी कारण से जो प्रचार प्रसार जो हुआ उसी वजह से विदेशों से भी लड़के यहाँ पर भाग लेने आए और विदेशों के अलावा अन्य प्रदेशों से जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि जगह से भी अन्य प्रदेशों के जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान आदि अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने भाग लिया। कितने साल से आप ये प्रोग्राम करते हुए? ये गत 19 वर्ष हो गए थे और इस वर्ष जो ये आयोजन हुआ है ये 20वां आयोजन हुआ है। मैं समझता हूँ जब से ये कार्यक्रम हुआ उस समय धवल दीक्षित जो आजकल इसकी सशक्त बागडोर अपने हाथों में लिए हुए हैं वो शायद किशोरावस्था में होंगे, क्योंकि 20 वर्ष एक लंबा समय होता है। एक दो वर्ष कतिपय कारणों से नहीं हो पाया जैसे कोरोना काल वगैरह में, नहीं तो ये हर वर्ष जो है आयोजित होता है। कहाँ पर होता है ये? ये मुरादाबाद में ही होता है और अब पहले तो ये हिंदू इंटर कॉलेज में होता था या फिर अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज में भी होता था, लेकिन अब गत कई वर्षों से जब से ये सुंदर पंचायत भवन बन गया है, इसमें सारी व्यवस्था हो गई है, पूरे प्रशासन का भी सहयोग रहता है, तब से यही आयोजित होता है ये। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।